एक दो और भाई इधर तीन और भाई इधर देखो चार और एक दो इधर आ गए, मतलब टोटल छह छह वूफर। ऊपर यहां से गिनना शुरू करता हूँ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और एक ये 17। तो भाई अपनी डीएसपी है वो रह गई थी, कौन सी डलवा रखी है? लोग एन लोग है, क्लासिक क्लासिक के अंदर भाई ने ऊपर एचआईडी डल, पब्लिक जिंगे लिकट जा, पब्लिक देखी है, मां मजा खड़ा कर रखा है भाई, तेरा सारा सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ दिया भाई, जो बात है भाई मौज कर दी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ चौधरी व्लॉग्स पर। और आज जो हमारे पीछे भाई स्कॉर्पियो देख रहे हो भाई, मतलब यार मैं कह रहा हूँ वन इन ओनली वाला सीन है इस गाड़ी में। अपने जो ओनर है ना वो वन इन ओनली क्लेम करते हैं स्कॉर्पियो के अंदर, ऐसा सिस्टम अपने दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद के अंदर। बाकी भाई सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन भाई जो इस गाड़ी के अंदर सिस्टम है ना भाई, मतलब भाई ये लगा लो 18-20 तो आसपास भाई स्पीकर लगे हुए हैं और भाई चार पांच वूफर लगे हुए हैं। लेकिन सारी बात मैं क्यों बताऊं, सारी बात बताएंगे भाई गाड़ी के ओनर। तो ज्यादा देर नहीं करते, करते हैं आज की वीडियो शुरू, लेट्स गो। लोगों जैसा देख रहे हैं आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले हैं मोहित चौधरी भाई, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। तो भाई आज करने वाले पूरी गाड़ी का रिव्यू। तो यार एक सबसे बड़ी इस गाड़ी की हेडिंग है, मोहित भाई आप ही बताओ सबसे बड़ा इस गाड़ी में, मतलब किस चीज में पैसा खर्च करेगा? पैसे तो हम लास्ट में बताएंगे, पहले ये बताओ क्या सबसे मेन है इस गाड़ी के अंदर? इसमें सारा सबसे मेन सिस्टम है, सबसे मेन सिस्टम है। तो भाई इस गाड़ी का सिस्टम ऐसा है ना, वो वाला जो डायलॉग है ना, तेरा सारा सिस्टम फाड़ देंगे, तो भाई वो ही वाला काम यहाँ पे अपने चौधरी साहब मोहित भाई ने यहाँ पे करवा रखा है। तो भाई वैसे तो हम अपनी वीडियो में हमेशा एलॉय व्हील से शुरू करते हैं, चलो सिस्टम भी दिखाएंगे, पहले एलॉय व्हील से ही शुरू कर लेते हैं, एक बार फ्रंट पे आते हैं। तो ऐसा हम आए हैं, एक बार एलॉय व्हील की बात करते हैं, तो अपने मोहित भाई ये बताओ कितने इंच एलॉय व्हील डलवा रखे? 20 इंच भाई। कितने? 20 इंच। तो भाई अपने 20 इंच एलॉय डलवा रखे। और एलॉय व्हील्स की प्रोफाइल आपको मैं बताऊं तो भाई 275/45 R20। तो अपने भाई ने जैसा बताया 20 इंच अपने भाई यहाँ पे एलॉय व्हील डलवा रखे हैं। बाकी भाई ये बताए अलॉय और सिस्टम के अलावा आपने फ्रंट में कुछ चेंजमेंट करा रखे हैं? भाई कुछ नहीं करा रखी। तो भाई अपने अलॉय व्हील्स का इसमें एचआईडी है। अच्छा, तो भाई लोगों जैसा देख रहे हो अपने इसके अंदर भाई ने ऊपर एचआईडी डलाई हुई है और नीचे एलईडी है ना भाई, नीचे एलईडी है एचआईडी, नीचे भी एलईडी। अच्छा नीचे एलईडी है, चलो भाई। तो अपना ये अपना अलॉय व्हील की भाई जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये सारी कॉमन चीज है गाड़ी का, मेन जो है ना वो सिस्टम है। तो जो अपना अलॉय व्हील्स है उसका भाई कहाँ से डलवाए, कितना टाइम हो गया? हो गए 1.5 साल हो गए, करोलबाग गिरवाई दिल्ली। अच्छा दिल्ली करोलबाग से डलवाए भाई, अपने देख रहे हो जैसा 1.5 साल हो गए। अपना कॉमन वाला डिजाइन है, अपना स्टार वाला भाई, अपना डुअल स्टार में जो आता है, बाकी भाई कॉमन है, बढ़िया लग रहा है भाई। अब तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं व्हील्स में। अब गाड़ी बदलूंगा तो अब दूसरी। अच्छा गाड़ी बदल दोगे? स्कॉर्पियो लूंगा। अच्छा स्कॉर्पियो लोगे, एन लोगे, क्लासिक क्लासिक क्लासिक। तो भाई एन बताओ, एन अच्छी लगती नहीं लगती? ना लगती ना, मजा नहीं आया भाई, स्कॉर्पियो थोड़ी है वो, क्लासिक ही लेनी है दोबारा। बिल्कुल सही बात है, जैसा अपना भाई ने बताया क्लासिक ही लेनी है। तो मोहित भाई को मतलब स्कॉर्पियो एन भाई अच्छी नहीं लगती है? नहीं भाई, मजा नहीं आया उसमें, चला के देखी नहीं देखी अभी तक, रख के पर मजा ना हो, मजा नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। तो भाई अपनी जैसे अपनी स्कॉर्पियो देख रहे हो, तो भाई अपनी एलईडी वगैरह डलवाई कितना टाइम हो गया, कौन सी कंपनी की इंस्टॉल करवा रखी है? ये 180 वोल्ट में है। तो बाकी भाई अपनी एलईडी अपनी फ्रंट में आ जाती है, बाकी अपनी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। तो भाई कौन सा मॉडल रहने वाला है स्कॉर्पियो का? ये 18 2018 मॉडल है। तो अभी 2018 से मतलब 4-5 साल लगभग आपने चला लिया। तो भाई ये बताओ गाड़ी है कैसी? दमदार आज भी कोई दिक्कत नहीं, आज तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई पेच वगैरह कहीं नहीं लगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया, अपने जैसे भाई बता रहे हैं। बाकी भाई अपना सिस्टम पे आते हैं, अब एक बार चलते हैं भाई सिस्टम दिखा देते हैं, क्योंकि बात ही हुआ है ना तेरा सारा सिस्टम फाड़ देंगे, तो वो वाली बात है। तो भाई सिस्टम दिखाते हैं एक बार गाड़ी का। तो भाई अपने जैसा देख रहे हो भाई गाड़ी के अंदर एक बार नजर मारो,
तो भाई यहां से गिनना शुरू करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक ये 17, तो भाई टोटल 17 स्पीकर कितने हैं? टोटल 17 स्पीकर है। तो भाई इतने सारे स्पीकर, तो मतलब भाई ये तो कैसे मैनेज कर रहे हो गाड़ी को इतने सारे स्पीकर? भाई शौक है, शौक से ऊपर कुछ ना। क्या बात है, मतलब भाई लोगों के अलग अलग शौक होते हैं भाई, बड़े बड़े अलॉय होते हैं गाड़ी में, कुछ करा ले कुछ करा ले, भाई को शौक है भाई सिस्टम का। तो भाई पहले से ही ऐसे सिस्टम रखते हो गाड़ी का? हाँ भाई बिल्कुल शुरू से ही। चलो भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई अपना जैसा सिस्टम भाई बताया। टोटल भाई स्पीकर और वूफर कितने गाड़ी के अंदर? 6 वूफर है, 3 मोनो है, 3-4 चैनल है और 17 स्पीकर है, 1 डीएसपी है। क्या बात है भाई, डीएसपी वगैरह टच है, पाइनर का टच हो गया अपना भाई, क्योंकि इतना हैवी सिस्टम है तो पाइनर चाहिए। 8 स्पीकर है, 8 कौन से भाई? डीडी के। तो भाई अपने 8 डीडी के स्पीकर हैं, वो कौन से वाले हैं भाई जो अपने छोटे वाले देख रहे हो ना? 4 इंच। तो भाई अपने 4 इंच के अंदर भाई छोटे वाले स्पीकर 8 आ जाते हैं डीडी के। तो भाई मतलब ये मैंने मतलब सिस्टम भाई बहुत सारे कवर करे अपनी वीडियो में, लेकिन इतने सारे स्पीकर, तो मतलब वूफर के साथ वोकल भी पसंद है ना भाई, आवाज भी आनी चाहिए, बेस भी आना चाहिए, सारी चीज आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, निकल जा पब्लिक देख के मुड़ के। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी ना आप लोगों को आवाज सुनाएंगे थोड़ी देर बाद, उससे पहले थोड़े मोटी मोटी बात कर लेते हैं। बात करते हैं भाई अपना, इसके अंदर आपने भाई एम्प कितने डलवा रखे हैं? इसमें 6 एम्प है, 6 एम्प टोटल डलवा रखे हैं। तो अपने गाड़ी के अंदर जैसा देखो 6 एम्प डलवा रखे हैं, जैसा अपना देखो भाई मोको का इधर एम्प आ जाता है, अपना जीवा का एक इधर डलवा रखा है, फिर दोबारा मोको का आ जाता है, और भाई उधर पीछे कौन से डलवे अपने? 3 पाइनर के। अच्छा अच्छा, तो भाई अपने 3 पाइनर के। तो भाई बात करें मोटे मोटे भाई एम्प और वायरिंग की कॉस्ट बता दो फिलहाल अभी। 48,000 रुपए के 3 एम्प है। अच्छा, 38,000 के पाइनर के हैं। तो भाई 48 और मतलब 1,00,000 का मोटा मोटा हिसाब लगा लो एम्प एम्प और वायरिंग का। तो भाई एम्प और वायरिंग का अपना 1,00,000 का, तो ये बाकी सिस्टम की कॉस्ट भी लास्ट में बताएंगे भाई, थोड़ा सस्पेंस बनाएंगे लोगों को, कभी भाई शुरुआत में बता देते कहेंगे तो इतना लग रहा है। बिल्कुल भाई लास्ट में बताएंगे, पूरी वीडियो के साथ बने रहना, कभी भाई स्किप करो वीडियो को। तो भाई बात करते हैं अपने जो वूफर है भाई, कौन सी कंपनी के वूफर है, कितने डलवा रखे हैं? 6 वूफर है, सारे पाइनियर D4 है। अच्छा, पाइनियर D4 है। तो भाई अपने जैसा देखो चैंपियन सीरीज के अंदर पाइनियर D4 भाई, जैसा गर्म हो रहा है यार, अच्छा धूप से हो रहा है वैसे गर्म। तो भाई देखो 1, 2 और भाई इधर 3 और भाई इधर देखो 4 और भाई इसको पेटी को थोड़ी आगे करते हैं भाई, ये 4 वूफर की ये पेटी है और भाई साहब ये देखो, तो भाई 1, 2 इधर आगे, मतलब टोटल 6 वूफर। तो भाई साहब 6 वूफर की वजह से भाई तो डैम पे गाड़ी क्या है, फुल डैम पे भाई, पूरी डैम पे करवा रखी है छत वगैरह। तो भाई एक बार जरा देखे, तो भाई जैसे यहीं से देख लो ना भाई, पूरी गाड़ी डबल डैम पे, इधर भी हो रही है डैम, मतलब भाई बिना डैम्पिंग के तो मेरे साथ फट जाएगी, फट जाएगी, चद्दर उद्दर फाड़ दोगे इसकी, इतना तगड़ा वाला सिस्टम भाई यहाँ पे भाई ने बना रखा है। बाकी भाई डैम्पिंग वगैरह सारी चीज बता दी, सिस्टम वगैरह दिखा दिया, अब चलते हैं भाई अंदर। गाड़ी ना भाई ने जब से मैं देख रहा हूँ भाई स्टार्ट खड़ी कर रखी है, तो ऐसा क्यों है भाई? भाई सिस्टम बजेगा तो बैटरी डाउन हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये तो ऐसे सर में लगता होगा यहाँ पे जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे को आपको आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। चलो भाई सही है, मतलब यार देखो एक बिल्कुल कान पे स्पीकर है, एक यहाँ पे स्पीकर है, फिर यहाँ स्पीकर है, फिर इधर भाई के कान पे, इधर भाई के कान पे, इधर भाई बैठा भाई के कान पे, तो मतलब भाई घर वाले बैठते गाड़ी में कभी कभार नहीं, घर वाले जब ले जाए तो बंद करके ले जाए। अच्छा बंद करके, बिल्कुल सिस्टम बंद कर दो है। चलो भाई मतलब इतना हैवी सिस्टम होने के बाद यार घर वाले भी कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे, तो यार मतलब ये बताओ रिएक्शन कैसा रहता है पब्लिक का? भाई पब्लिक जिंगे लिकट जाए, पब्लिक देखेगी मैं मजा खड़ा कर रखा है भाई। तो भाई जैसा कुछ इस तरीके के पब्लिक रिएक्शन भाई ने बताया, भाई सिस्टम ही देख रहे हो यार, मतलब कानों तक पे स्पीकर लग रहे भाई, ये स्पीकर जब तेज बजता होगा तो कान में चीज नहीं लगती क्या? ना भाई अब आदत पड़ी हुई, आदत पड़ गई। तो भाई जैसा भाई ने बताया आदत पड़ गई इतने हैवी सिस्टम की। तो भाई बात करते भाई अपनी कौन सी वाली टच लगा रखी है भाई पाइनर की? पाइनर की हाफ टच, हाफ टच है। तो भाई ये नई ली थी, पुरानी कैसे ली? अच्छा नई मिल जाती है ये वाली। तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी? ये पड़ी भाई उस टाइम पे 8,500 रुपए की, 8,500 रुपए की। तो भाई अपनी हाफ टच वाली यहाँ पे हाफ टच पाइनर की लगवा रखी है। बाकी सिस्टम के लिए पाइनर की मैंने ज्यादातर देखा है सेकंड हैंड टच लगवाते हैं जो लगाती हैं वो वाली। भाई नहीं लगवाई मैंने। अच्छा आपने नहीं लगवाई थी, क्योंकि भाई वो तो काफी महंगी आती है, तो आती नहीं, आती नहीं है वो वाली। हाँ भाई वो वाली आती नहीं है। बाकी भाई अपना बिग 3 वगैरह वायरिंग सारी हुई हुई है, तो भाई क्योंकि उसके बिना तो अल्टरनेटर से डायरेक्ट इतना हैवी कैसे उठा पाएंगे भाई बैटरी से। तो भाई जैसे हम देख रहे हैं मेरे हिसाब से भाई हमें आधा एक घंटा हो गया खड़े खड़े, गाड़ी स्टार्ट ही खड़ी है, बंद कर दूंगा दोबारा स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। भाई अच्छा मतलब भाई सिस्टम ऑन है तो ना होने की है। अच्छा मतलब सिस्टम हो ना गाड़ी ऑन नहीं होगी फिर ना। तो भाई वूफर ही इतना है ना। मोहित भाई जी एक चीज बताओ, जो अपनी डीएसपी है वो रह गई थी, कौन सी डलवा रखी है? भाई 7600, 7600 डलवा रखी। तो डीएसपी की क्या कॉस्ट पड़ गई थी? भाई उस टाइम पड़ा 26,000 रुपए, 26,000 रुपए का। तो मतलब ये कितना 4-5 साल होगी सिस्टम के लोगे? ना भाई ऐसा होगी
3 साल से रेगुलर इतना हैवी सिस्टम बजा रहे हो तो भाई हम थोड़ा सा लेट हो गए वीडियो बनाने में। जितने का लगाया उससे ज्यादा दे दिए, फूकना फूकता भाई वही है, इतना हैवी सिस्टम है, एम्प लगे पड़े तो भाई फूकने वाला सीन तो बन ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई अब आप लोग बोलेंगे मुझे गाना सुना दो भाई, सारे भाई सारे व्यूअर्स भाई अपना गाने सुनने के लिए बैठे हैं, तो आप लोगों ना गाना सुनाता हूँ भाई। तो मोहित भाई एक बार गाना बजा दो अब। बिल्कुल बहुत लाउड सिस्टम है, इसे भी खोल दो आप एक बार। भाई साहब आ जा भाई, ये लड़का सिस्टम सुना नहीं गया भाई, कैसे बाहर निकल के भग गया, क्या हुआ तक सुना था, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम दिया भाई, सिस्टम फाड़ दिया भाई, जो बात है भाई मौज कर दी। मतलब मोहित भाई कैसे, मतलब मेरे से तो बैठा ही नहीं जा रहा, और हम वहां से यहाँ तक आए आप इतनी तेज बजाते हुए, आदत हो रही है भाई, मेरे तो कानों के पर्दों में भी चीज लग रही है भाई, इतना मतलब हैवी सिस्टम भाई, बहुत ज्यादा हैवी सिस्टम, मजा आ गया मजा भाई, मैं कह रहा हूँ सिस्टम फाड़ दिया भाई, इतना ज्यादा हैवी सिस्टम भाई ने यहाँ पे बजा दिया, कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे, कुछ और भी पड़ता है बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत हैवी सिस्टम है भाई, मजा आ गया, मतलब सुनने के बाद पैसा वसूल हो गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात है भाई ने, मतलब जितना पैसा खर्च करा सारी चीज, जैसा भाई ने बताया कि खर्च होने के बाद चीज लगवाने का मजा नहीं आया, फिर चेंज करवा दी चीज, फिर दूसरी लगवाई, फिर चीजें फूक गई है, फिर लगवा दी, क्योंकि भाई इतना हैवी जाते हैं ना तो चीजें में प्रॉब्लम आती आती है। तो भाई कितना भी आप अच्छी चीज लगा लो, कोई सी भी कंपनी की लगा लो भाई, इतना हैवी जाओगे तो भैया दिक्कत आने ही वाली है। तो भाई अब आप लोग बोल रहे होगे भाई सिस्टम इतना हैवी सुना तो दिया, अब भैया पैसे जैसे सिस्टम है सिस्टम फाड़ देंगे उस हिसाब से, सिस्टम जब इतना महंगा लगा तो जो पैसे है वो भी सिस्टम फाड़ेंगे। तो भाई एक बार अब बात कर लेते हैं अपनी जो गाड़ी है भाई, सबसे पहले बताओ कि गाड़ी अपना एवरेज कितना दे रही है भाई। गाड़ी 8 का दे रही है, 8 का एवरेज दे रही है, क्योंकि भाई जब भी देख रहा हूँ स्टार्ट ही गाड़ी है भाई, आप लोगों के सामने देख लो, हमें भी यहाँ पे एक घंटा हो गया भाई ने तो गाड़ी बंद करी नहीं है। तो भाई सुबह को धक्का मार के स्टार्ट होती है, कैसे डायरेक्ट हो जाती है, अच्छा चाबी से हो जाती है भाई, फिर ठीक है। बाकी भाई मेरे को तो अभी कानों में जो है ना हल्की हल्की कम सी आवाज आ रही है भाई, बहुत ज्यादा तेज गाने सुन लिए, मतलब ऐसा लग रहा है किसी डीजे के सामने से दम दम के सामने से आया, इतनी तेज आवाज ना करता, यहाँ हिला दिया भाई, हिला दिया भाई, जो बात है भाई मजा खड़ा कर दिया भाई सिस्टम ने। तो बात करते हैं भाई यहाँ पे अपना जो सिस्टम है भाई, इसकी प्रॉपर्ली कॉस्टिंग क्या पड़ी, कितने लाख हजार करोड़ कितने का लगवा दिया भाई? भाई 3.5-4 लाख रुपए का भाई, 3.5-4 लाख रुपए का भाई सिस्टम, भाई समझ रहे हो सिस्टम, भाई सिस्टम है, सिस्टम है। तो भाई पैसा खर्च करा है सिस्टम के ऊपर, बाकी भाई बाहर से अंदर से इतना कुछ खास काम भाई ने नहीं करवाया, जो शौक था ना शौक पे पैसा खर्च कर दिया पूरा भाई, दिल खोल के पैसा खर्च कर दिया। तो ये बताओ भाई आसपास आपका ग्रुप भी होगा, सिस्टम भी लगवा रखे होंगे, तो ये बताओ किस मतलब आपके जितना है उससे आपसे भी ऊपर है किसी गाड़ी? गाजियाबाद में तो है ना,
गाजियाबाद में नहीं है, बहुत गाड़ी थोड़ा आवाज ना आई है किसी नहीं आई तो भाई क्लेम कर सकते हैं हम, गाजियाबाद के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, गाजियाबाद के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। बाकी कोई हो तो भाई को कॉन्टेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई, हम भी देखें कुछ होएगा तो हम भी कुछ अपग्रेड करा लेंगे। तो कभी मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम किसी से बैर में बोल रहे हैं, बहस में बोल रहे हैं। जो ये बात बोली जा रही है ना, इसलिए बोली जा रही है कि मतलब एक पता लग जाता है कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया तो हम कहाँ, हमारा स्टैंड बाई कहाँ पे है, सारी चीजें है। तो भाई ये सारा सिस्टम वगैरह भाई बता दिया, बाकी कुछ रहा तो नहीं आज की वीडियो में भाई, ना भाई कुछ रह जाएगा तो आपसे पूछेंगे। इंस्टाग्राम आईडी बता दो भाई, मोहित चौधरी 1002। तो मोहित चौधरी 1002 भाई को जाके ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई भी क्वेरी तो भाई से जाके पूछ लेना, और भाई भी ना बताए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच भाई। ठीक भाई, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।